This is fourth lecture of the chapter Unit and Measurement for class 11. So I am going to start error analysis. So जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोई चीज हम मेजर करते हैं तो हम लोग इरर मिलता है, इरर होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका, उससे थोड़ा डिफरेंट मिलता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रियल वैल्यू थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इरर इरर क्या होता है, दो टाइप का होता है। वन इज सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक इरर जो नोन होता है, नोन वी कैन रिमूव इट, नोन होता है जिसे पता होता है, ठीक है। रैंडम इरर होता है कॉज अननोन, जैसे जो अननोन कॉज है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग मेजर कर रहे हैं रेजिस्टेंस, तो क्या होता है रेजिस्टेंस जब मेजर कर रहे हैं तो हम लोग तीन चार रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग में तो एक ही टाइम में हम लोग नहीं ले रहे, थोड़ा टाइम का अंदर, जैसे मान लेते हैं कि एक रीडिंग हुआ है 1:02 में, एक रीडिंग हुआ है 1:15 में, लाइक डेट ना। सो 1:01 और 1:15 का बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर का वजह से क्या होता है आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है। सो ये अननोन का वजह से होता है। हम लोग को पता है कि कुछ एक सिस्टम में, मशीन में, इंस्ट्रूमेंट में कुछ इरर है, पहले से पता है कि थोड़ा डिफरेंट देता है ये, लाइक डेट ना। सो कुछ कॉज क्या होता है, नोन होता है जिसको सिस्टमेटिक बोलते हैं, एंड कुछ रैंडम होता है जिसके कारण हम लोग को मालूम नहीं होता है, अननोन कारण का वजह से होता है। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मेजरमेंट, दो टाइप का मेजरमेंट होता है, वन इज एक्यूरेट अदर इज प्रिसाइज। ये पार्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बोरिंग है थोड़ा सा, जैसे मैकेनिक्स पार्ट आएगा इंटरेस्टिंग आ जाएगा, लेकिन हम लोग सीखना तो है, काम का है। सो जैसे मान लो कि एक लेंथ है, एक स्केल है, बाय एक स्टिक है जिसका लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो एक आदमी ये मेजरमेंट किया स्केल से, दूसरा आदमी मेजर लेंथ बाय अनदर अदर, ठीक है। दो 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 मेजरमेंट हुआ है, हम लोग 5 रिकॉर्ड ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है आपका मेजरमेंट का जो रिकॉर्ड है, डेटा है 5.1, 5.2, 5.0, 4.9, 4.8, ठीक है, नियरेस्ट टू द रियल वैल्यू। रियल में कितना वैल्यू था 5 सेंटीमीटर, जितना भी वैल्यू मिला है वो नियरेस्ट टू रियल वैल्यू है। और एक ये दूसरा आदमी का जो मेजरमेंट है 6.1, 6.11, 6.10, 6.11, 6.12, 6.09, तो ये क्या स्मॉल गैप है, दो वैल्यू का इसमें स्मॉल गैप है यहाँ पे, लेकिन दो वैल्यू का इसमें गैप थोड़ा है, यहाँ पे दो वैल्यू का इसमें स्मॉल गैप है, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है ना उसके आसपास नहीं है। तो ये इस डेटा को हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे, प्रिसाइज। और ये जो नियरेस्ट टू रियल वैल्यू, उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। सो दो टाइप का मेजरमेंट होता है, एक को बोला जाता है प्रिसाइज जिसमें हम लोग गैप कम होता है, जो रीडिंग दिए है और रीडिंग का बीच में गैप बहुत कम है, और सेकेंड जो है वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसका, हर एक वैल्यू हर एक डेटा नियरेस्ट है उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। So next we have to discuss some important parameter regarding error. So I would like to give one example. So suppose now 5.1 cm, 5.2 cm, 5.3 cm, 5.0 cm, 5.4 cm records of a length. मतलब एक length measurement हुआ उसका ये सब record है, इतना इतना मिला, ठीक है। Actual length का एग्जैक्ट नहीं मिलता है, कुछ एक लेंथ है, जैसे ये स्केल है, एक लेंथ है, इसका 5 रीडिंग हम लोग लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग दिया, तो ये सब वैल्यू मिला है। तो सबसे पहले आपको निकालना है एक्यूरेट मीन वैल्यू, एक्यूरेट मीन वैल्यू जो एक्स बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो जितना भी डेटा मिला है उसको एड करके डिवाइड बाई 5 किया तो कितना मिला है, एक्स बार इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दिस इज द मेथड टू मेजर फॉर एक्यूरेट मीन वैल्यू, जो भी रिकॉर्ड्स आपको मिला है उस रिकॉर्ड्स को ऐड करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर, ईच मतलब हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है, डेल्टा एक्स ओनली, वो है आपका एक्यूरेट मीन वैल्यू से हर एक डेटा को माइनस करो। जैसे मान लेते हैं कितना मिला है इस केस में, एक्यूरेट सॉरी एक्यूरेट मीन वैल्यू मिला 5.2, तो मैंने 5.2 लिखा, पहला डेटा को माइनस कर दिया 5.1, सो कितना मिला 0.1, सेकंड में भी 5.2 माइनस 5.2, सेकंड डेटा है 5.2 0.0, फिर 5.2 से हम लोग कितना माइनस किया 5.3,
तो -0.1, 5.2 से आपको कितना माइनस किया, 5.4, पहले इसको माइनस किया, पहले इसको एक्चुअली लास्ट में लिखना था, इसको पहले लिखना था, ओके ये है -0.2, फिर 5.2 माइनस 5, लास्ट में 5 है, ये वाला 5 है, सो 0.2। सो और एक बात याद रखना, इरर कभी नेगेटिव पे नहीं होते, इरर इरर ही होता है, कोई एक परफेक्ट वैल्यू होता है, माइनस साइन होगा तभी आपको ऐड करना होगा, इरर कभी भी इरर इज ऑलवेज एडिट है, ये बात को याद रखना, इरर इज ऑलवेज एडिट। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना होगा मीन एब्सोल्यूट इरर, ये सिर्फ एब्सोल्यूट इरर है डेल्टा एक्स, लेकिन ये क्या है मीन एब्सोल्यूट, मीन मतलब एवरेज, एवरेज एब्सोल्यूट इरर डेल्टा एक्स बार, मतलब जितना भी इरर मिला है ना इस केस में, जो इरर है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड, सो 0.8 डिवाइड बाय 5, तो क्या मिला है 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना मिला है 0.16 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है 5.2 जो मिला है आपको मीन एक्यूरेट वैल्यू 5.2 प्लस माइनस 0.16, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ होमवर्क, आप करके देखना, हाँ स्टेप बाय स्टेप करना, आराम से हो जाएगा। सो एक होमवर्क दे रहा हूँ, डायमीटर ऑफ ए वायर आर फाउंड 2.620 सेंटीमीटर, 2.025 सेंटीमीटर, 2.630 सेंटीमीटर, 2.628 सेंटीमीटर, 2.626 सेंटीमीटर, फाइंड मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर इन ईच, मीन एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रीवियस जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको ट्राई करो। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्यूरेट मीन वैल्यू, एक्यूरेट मीन वैल्यू, अभी मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते मैंने सिखाया, एक्यूरेट मीन वैल्यू कैसे निकालते सिखाया, जैसे लेंथ ऑफ ए रॉड ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम लोग सीखा है रिप्रेजेंटेशन, सो 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो है दिस इज द एक्चुअली मीन एक्यूरेट वैल्यू है, सो मीन एक्यूरेट वैल्यू नीचे है मीन एक्यूरेट वैल्यू, और ये क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा 0.1, ओके 0.1, ये पूछता है इंपॉर्टेंट है। फिर परसेंटेज एरर भी, परसेंटेज एरर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मीन जो फ्रैक्शनल एरर है ना, फ्रैक्शनल एरर के साथ अगर हम 100 अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट व्हाट, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो इस केस में जो प्रीवियस जो ये जो 0.1 है इसका परसेंटेज एरर कितना होगा 0.1 इंटू 100, इट मीन्स 10%। तो हम लोग मेन मेन क्या टर्म्स अभी मिला है, एक्यूरेट मीन वैल्यू, मीन एक्यूरेट मीन वैल्यू को सिंपली मीन वैल्यू भी बोला जाता है, मीन वैल्यू। सेकंड है एब्सोल्यूट एरर इन ईच, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके फ्रैक्शनल एरर, एंड लास्ट वन इज व्हाट, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर आर ऑलवेज एडिट, कोई भी ऑपरेशन हम लोग करें लेकिन एरर हमेशा ऐड होगा, ये बात को याद रखना, ओके प्रोपगेशन ऑफ एरर, सो उसमें हम लोग मेन बात याद रखना है एरर आर ऑलवेज बी एडिट। जैसे मान लो कि ये वॉल्यूम है, क्यूब है जिसका हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में सिखा है ये आपका मीन वैल्यू है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये इसका मीन वैल्यू है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि दोनों को वॉल्यूम को ऐड करना है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, सो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, सो डिफरेंस मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको वी टू मान लेते हैं और इसको वी वन मान लेते हैं, तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, टू
सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस कितना होगा 0.06। अब सब्ट्रैक्ट करने से भी एरर को ऐड करना पड़ेगा, एरर हमेशा मिस्टेक हम कभी माइनस नहीं होते, मिस्टेक हमेशा क्या होते हैं, एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, इसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, हर एक ऑपरेशन में एरर क्या होगा, ऐड होगा। थोड़ा सा फील करके देखना क्यों ऐसा होता है। ओके, ये न्यूमेरिकल घर में सॉल्व करो। आर वन एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है ओम, आर टू एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया ओम में, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज तो मालूम है ना, आर वन प्लस क्या होगा आर टू इन सीरीज में होने से, सो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व करके भेजना। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ है, मान लेते हैं फ्रैक्शनल एरर इन एरिया क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, यहाँ पे इंटू है लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, प्लस फ्रैक्शनल एरिया, फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा बी। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एडिशन हो रहा है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। फिर नेक्स्ट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इन टू वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। सो फ्रैक्शनल एरर इन मास इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी प्लस फ्रैक्शनल एरिया इन वॉल्यूम, इनटू था यहाँ पर प्लस हो गया, एरर हमेशा ऐड होता है। फिर डिवीजन में भी देखो y इज इक्वल टू ए बाई बी, तो फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, तो यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। सिमिलरली वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल एरर होगा, ठीक है, ये अगर परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं, इनटू 100 करने से हो गया, फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम कहाँ कहाँ से आएगा, लेंथ का वैसे आएगा, ब्रेथ का वैसे आएगा, हाइट का वैसे आएगा, यानी प्लस प्लस प्लस, एरर हमेशा क्या होते हैं ऐड होता है। सो होमवर्क है, ये हो गया आपका जेड का, आपका फ्रैक्शनल एरर का इक्वेशन लिखो, ठीक है, जेड का फ्रैक्शनल एरर का इक्वेशन लिखो। बी में थोड़ा सा पावर है, पावर वाला मैंने थोड़ा बता देता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन वाई इज इक्वल टू पावर सामने आ जाता है, पावर हमेशा सामने आ जाता है, डेल्टा ए बाय ए प्लस, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हो लेकिन यहाँ पे ऐड होगा, एरर हमेशा ऐड होता है, थ्री इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस फोर इंटू डेल्टा सी बाय सी, पावर सामने आ जाते हैं। इसको खुद करना है, इसको भी खुद करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मान लो कि हम लोग ना फ्रैक्शनल एरर का तो बता दिया, अगर परसेंटेज एरर अगर बात होता है, परसेंटेज एरर कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे आपका ए कोई ले लेते, ए को थोड़ा मॉडिफाई करके जेड इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर बी बाय सी, तो क्या होगा आपका डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा टू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। ये तो फ्रैक्शनल एरर से अगर 100 इंटू करते हैं तो क्या होता है, परसेंटेज एरर आ जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ठीक है, इसका रिगार्डिंग ये जो परसेंटेज एरर है इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन कराते हैं। सो पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी क्यूब, परसेंटेज एरर इन ए एंड बी आर 2 and 3%, फाइंड परसेंटेज एरर इन पी, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन पी डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा 2, और सामने ए का एरर दिया हुआ है डायरेक्ट 2% दिया हुआ है, 2 into 2 प्लस पी का ऊपर पावर कितना है 3%, कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है ऑलरेडी, पावर सामने आ जाएगा, बी का पावर तो सामने आएगा, बी का परसेंटेज इधर 3% दिया हुआ है, सो यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 4 प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 6, सो कितना परसेंट हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, यानी
पी में परसेंटेज एरर कितना आएगा 10%। इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन बोर्ड में भी आते हैं एंड एस में भी आते हैं। ओके दिस इज ऑल अबाउट एरर एनालिसिस। जब रियल स्कूल मतलब रियली क्लासरूम होगा तब मैं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं मेन मेन चीज बता दिया, जितना हो सके क्लियर करो। ओके नेक्स्ट जब हम लोग मैकेनिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है मेनली फिजिक्स पढ़ने के लिए वो सब हम लोग मैं लिख पा रहे हैं। एरर किस किस टाइप का एरर होता है लाइक डेट। ओके फाइन।